أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. سورہ ناجیات ترجمہ پہلا رکوع. سورہ ناجیات مکہ میں اتری, اس میں 46 آیتیں دو رکوع ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں, پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں, پھر کام کی تدبیر کریں
कि काफिरों पर जरूर अजाब होगा, जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे, आंख ऊपर न उठा सकेंगे। काफिर कहते हैं, क्या हम फिर उल्टे पांव पलटेंगे, क्या जब हम गली हड्डियां हो जाएंगे। बोले, यूं तो यह पलटना तो निरा नुकसान है, तो वह नहीं मगर एक झिड़की, जब ही वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे। क्या तुम्हें मूसा की खबर आई, जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तुवा में पुकारा, कि फिरौन के पास जा। उसने सर उठाया, उससे कह, क्या तुझे रगबत इस तरफ है कि सुथरा हो, और तुझे तेरे रब की तरफ राह बताओ कि तू डरे। फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, इस पर उसने झुटलाया और नाफरमानी की, फिर पीठ दी, अपनी कोशिश में लगा, तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला, मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं। तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ा, बेशक इसमें सीख मिलती है उसे जो डरे। सूरह नाजियात तर्जुमा दूसरा रुकू। क्या तुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना मुश्किल या आसमान का अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी छत ऊंची की, फिर उसे ठीक किया, उसकी रात अंधेरी की और उसकी रोशनी चमकाई, और उसके बाद जमीन फैलाई, उसमें से उसका पानी और चारा निकाला, और पहाड़ों को जमाया, तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के फायदे को। फिर जब आएगी वह आम मुसीबत सबसे बड़ी, उस दिन आदमी याद करेगा जो कोशिश की थी, और जहन्नम हर देखने वाले पर जाहिर की जाएगी, तो वह जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह प्राथमिकता दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और वह जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। तुमसे कयामत का पूछते हैं कि वह कब के लिए ठहरी हुई है, तुम्हें उसके बयान से क्या तल्लुक, तुम्हारे रब ही तक उसकी इंतिहा है। तुम तो फकत केवल उसे डराने वाले हो जो उससे डरे, मानो जिस दिन वो उसे देखेंगे, दुनिया में न रहे थे मगर एक शाम या उसके दिन चढ़े। सूरह नाजियात तफसीर पहला रुकू। सूरह नाजियात मक्के में उतरी, इसमें दो रुकू 46 आयते 197 कलीमे 753 अक्षर है, यानी उन फरिश्तों की, काफिरों की यानी मोमिनों की जाने नरमी से निकाले, जिस्म के अंदर या आसमान और जमीन के बीच मुमिनों की रूहें लेकर, जैसा कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो से रिवायत है, अपनी खिदमत पर जिसके मामूर है। रुहुल बयान यानी दुनिया के कामों के इंतजाम जो उनसे संबंधित हैं, उनको पूरा करें, यह कसम उस पर है। जमीन और पहाड़ और हर चीज पहली बार सूर फूंके जाने से बेचैन हो जाएगी और तमाम खल्क मर जाएगी, यानी सूर दूसरी बार फूंका जाएगा जिससे हर चीज अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दी जाएगी। इन दोनों सूरों के बीच 40 साल का अंतर होगा। उस दिन की हौल और दहशत से यह हाल काफिरों का होगा, जो मरने के बाद उठने का इनकार करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो यानी मौत के बाद फिर जिंदगी की तरफ वापस किए जाएंगे, कण कण बिखरी हुई फिर भी जिंदा किए जाएंगे, यानी अगर मौत के बाद जिंदा किया जाना सही है और हम मरने के बाद उठाए गए, तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम दुनिया में उसको झुटलाते रहे। यह कॉल उनका हंसी के तौर पर था। इस पर उन्हें बताया गया कि तुम मरने के बाद जिंदा किए जाने को यह न समझो कि अल्लाह ताला के लिए कुछ दुश्वार है, क्योंकि सच्ची कुदरत वाले पर कुछ भी दुश्वार नहीं। सूर का आखिरी बार फूंका जाना, जिससे सब जमा कर लिए जाएं, और जब आखिरी बार सूर फूंका जाएगा जिंदा होकर, ये सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। जब कौम का झुटलाना आपको शाक और नागवार गुजरा, तो अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिसने अपनी कौम से बहुत तकलीफें उठाई थी। मुराद यह है कि नबियों को ये बातें पेश आती रहती है, आप इससे गमगीन न हो। जो मुल्के शाम में तूर के करीब है, और वह कुफू और फसाद में हद से गुजर गया, कुफ्र और शिर्क और गुमराही और नाफरमानी से,
यानी उसकी जात और सिफात की पहचान की तरफ, उसके अजाब से। चमकती हथेली और लाठी दोनों चमत्कार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, यानी ईमान से मुंह फेरा। फसाद फैलाया, यानी जादूगरों को और अपने लश्करों को, यानी मेरे ऊपर और कोई रब नहीं। दुनिया में डुबोया और आखिरत में दोजख में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला से इसके बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करने वालों को खिताब फरमाया जाता है। सूरह नाजियात तफसीर दूसरा रुकू। तुम्हारे मरने के बाद सुतून या खंभे के बिना, ऐसा कि उसमें कोई खलल या रुकावट नहीं, आफताब के नूर को जाहिर फरमाकर, जो पैदा तो आसमान से पहले फरमाई गई थी मगर फैलाई न गई थी, चश्मे जारी फरमाकर, जिसे जानदार खाते हैं धरती पर ताकि उसको सुकून हो, यानी दूसरी बार सूर फूंका जाएगा जिसमें मुर्दे उठाए जाएंगे, दुनिया में अच्छी या बुरी, और तमाम खल्क उसको देखे, हद से गुजरा और कुफ्र इख्तियार किया, आखिरत पर और नफसानियत का पालन किया, और उसने जाना कि उसे कयामत के दिन अपने रब के सामने हिसाब के लिए हाजिर होना है। हराम चीजों की। ऐ सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के काफिर और उसका वक्त बताने से क्या गरज, यानी काफिर कयामत को जिसका इनकार करते हैं तो उसके हौल और दहशत से अपनी जिंदगी की मुद्दत भूल जाएंगे और ख्याल करेंगे कि। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।